दिन भर में एक बार खुद को आईने में जरूर देखें, क्योंकि आईना वो दिखाता है जो आप हो, ना कि वो जो आप बनना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट, आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। तो चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कोलकाता वाले काठी कबाब रोल की। जी हाँ, काठी कबाब रोल पर प्योर वेजिटेरियन स्टाइल में। इसमें हमने ऑमलेट भी वेजिटेरियन बनाया है और साथ में फिलिंग्स भी है, वो भी जो है वो भी हमने वेजिटेरियन ही बनाया है। तो बिना आपको इंतजार कराए चलिए बनाते। सबसे पहले हम रोल के लिए डो लगा लेंगे, जिसमें हमने 2 कप मैदा ले लिया है, 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 चम्मच नमक डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हार्ड डो लगा लिया है। हाँ, ध्यान दे, पानी थोड़ा थोड़ा डाले क्योंकि डो हमारा हार्ड रहना है। आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। डो लगा के उस पर चिकना लगा करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। अब हम सोयाबीन अपना गर्म पानी थोड़ा सा नमक डाल के फूलने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा मैरिनेशन है। इसमें हमने 2 चम्मच दही लिया है, 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच नींबू का रस लिया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिला करके, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और सोयाबीन उबला हुआ उसी में डाल के मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम अपने पैन 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल करके अपने लंबे लंबे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च के साथ सोयाबीन को ऐसे ही भूनेंगे जो हमारा मैरिनेशन वाला था। अब इसमें हम 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके ऐसे ही भूनेंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे हम। अब ये हमारा भून गया। अब इसमें हम अपना 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस, थोड़ा सा वेनेगर डाल करके भूनेंगे ऐसे ही। हमारा ये 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें हम 1 चम्मच आरा रोट पानी में घोल के डाल देंगे जिससे हमारा ये गाढ़ा हो जाए। ये लीजिए, हमारा तैयार हो गया है फिलिंग। अब उसी पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के अपना अदरक कटा हुआ लगभग 1 चम्मच और 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ ऐसे ही डाल दें और उसमें पानी डाल के मतलब हल्का सा भून लें जिससे लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और उतना जो हमने अभी फिलिंग बनाया था उसी में डाल के मिला दें। इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट, इसको स्मोक देना। तो कोयले को जलते हुए बीच में रख करके हल्का सा रिफाइंड ऑयल डालें और उसको ढक दें और उसको साइड में ऐसे ही 15-20 मिनट तक छोड़ दें। अब चलिए हम लोग पराठा बना लेते हैं। हमारा डो तैयार है, उसको हल्का सा नीट करके ऐसे ही बनाए, देखिए बेल लेंगे और उसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट हल्का सा रिफाइंड ऑयल अच्छे से फैला करके थोड़ा सा मैदा डाल दें और उसको ऐसे रोल करें। इससे आपका लेयर तैयार हो जाएगा आपके पराठे में और सेकते वक्त आपको इसका लेयरिंग दिखने लगेगा, अच्छे से खस्तेदार हो जाता है। इसको ऐसे गोल कर लें और एकदम सीधे रख करके दबा दें। जल्दी जल्दी मैं और भी ऐसे पराठे बना लेता हूँ अपना। तब तक अब आइए अपने पराठा सेक लेते। तावे पे हल्का सा ऑयल डाल के रिफाइंड ऑयल इसको दबा के ऐसे ही सेकें, पलट पलट के अच्छे से सेक लें। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा पराठा। अब हम अपना ऑमलेट बना लेते हैं। ऑमलेट की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ा सा जीरा डाल के ऑमलेट अपना ऐसे ही फैला दें अच्छे से। अब इस पे हम अपना पराठा डाल देंगे और पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। ये अच्छे से दबा दबा के सेक लें, पूरा पक जाए। अब आइए हम अपना रोल बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कटे प्याज, थोड़ा सा हरा मिर्च, अपना फिलिंग, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और लास्ट में नींबू डाल करके रोल कर लें। ये अच्छे से रोल कर लें और पेपर लगा लें। ये लीजिए, तैयार है हमारा रोल। लीजिए, बन गए हमारी काठी कबाब रोल। इसमें पराठे से लेकर के आमलेट तक बनाने में कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, उसको जरूर देखें और ध्यान से बनाएं। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी सी है पर ये बनाने में बहुत मजा आता है। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं। और नोटिफिकेशन, बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में याद रखिएगा, अगर कुछ अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। नमस्कार।